यूपी डिजिट मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का एक एक सेट देंगे, ठीक है। जैसे इसका है एपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक एपी का, एपी यानी समांतर श्रेणी का एम बा पद वन बाई एन और एन बा पद वन बाई एम है, तो उसका एम एन बा पद होगा, एम एन बा पद वन होगा, यानी जो आंसर या ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, वन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है, इसको प्रॉब्लम बनेगी वो सॉल्यूशन के लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है। के प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 एपी में है, k का वैल्यू फाइंडिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 6, 10, 86 का अंत से 15वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक एपी का यानी समांतर श्रेणी का आरवा पद 2r+3 है, तो श्रेणी बतानी है, ठीक है, श्रेणी क्या पॉसिबल श्रेणी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉग ए बेसी प्लस लॉग ए स्क्वायर बाई बी बेसी प्लस लॉग ए क्यू बाई बी स्क्वायर बेसी, ये प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, इक्वल टू यानी किसका सम फाइंड करना है, योग कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एपी का एम बापद 1/n और एन बापद 1/m है, तो एम एन पदों का योग 1/2 एम एन प्लस 1 होगा। क्वेश्चन 7, श्रेणी के पी पदों का योग, पी पदों का योग 3p² + 4p है, तो श्रेणी क्या होगी, तो इसकी श्रेणी क्या होगी, श्रेणी हमको फाइंडिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एक एपी के प्रथम पद a = 12 d = 4 एन पदों का योगफल, एन पदों का योग यानी कि जिसको SN कहते हैं 132 है, तो N का मान क्या होगा, N की वैल्यू फाइंडिंग करना है, ठीक है। उसका N कितना होगा यानी N का मान कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एक एक टाइप का एक क्वेश्चन कम से कम है और हो सकता है कि संख्या बदल के आ जाए, ठीक है। तो एपी के 8 पदों का योग 64 यानी 64 है, 19 पदों का योग 361 है, तो श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन पदों का योग क्या होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध करो, मतलब ये ऑप्शन में आ जाता है कि दो राशियों के बीच n समांतर मध्य पद माध्य पदों का योगफल, दो राशियों के बीच n समांतर मध्य पदों का योगफल उन राशियों के समांतर माध्य का n गुना होता है, उन राशियों के समांतर माध्य का कितने गुना होता है, n गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा n गुना 2n गुना 2 गुना 1 गुना, तो ये यहाँ से होगा n गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2 तथा 82 के बीच
एन समांतर माध्य इस प्रकार है, एन समांतर माध्य इस प्रकार है कि तीसरा, तीसरे और एन माइनस टू पे माध्यों का अनुपात, का अनुपात 1:5 है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन फाइंडिंग करना है। 2 और 82 के बीच एन समांतर माध्य, तो तीसरे को समांतर माध्य पर मान लें A3 कहेंगे, और ये An-2 का अनुपात 1:5 दिया है, ठीक है। तो इसका एन की वैल्यू फाइंडिंग करना है। एंड क्वेश्चन नंबर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी का समांतर माध्य a की पावर n + b की पावर n / a की पावर n-1 + b की पावर n-1 है। तो n की वैल्यू क्या होगा, यानी n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में 15 पदों का योग 30 है, 15 पदों का योगफल 30 है, तो उसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद फाइंडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ABC AP में है, तो AB+AC / BC and BC+BA/CA and CA+CB / CB/AB भी AP में होंगे, ठीक है। AB+AC / BC, BC+BA / CA and CA+CB / AB भी AP में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कहते हैं ये AP में है तो ये AP में होंगे, जस्ट a² b² c² ये कॉम्बिनेशन वाली क्वेश्चन है, ये जरूर करने वाला, यहाँ से एक नेक आता रहता है। तो 1/b + c, 1/c + a एंड 1/a + b भी AP में होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 1/a, 1/b, 1/c AP में है, तो b+c/a and a+c/b and a+b/c भी AP में होंगे, भी AP में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं जो है ABC यानी कि भुजाएं समांतर श्रेणी में है, भुजाएं समांतर श्रेणी में है, और सबसे छोटा कोण, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि ये 3:4:5 के अनुपात में होंगी, 3:4:5 के अनुपात में होंगी, ठीक है। अगर किसी समांतर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो, तो उन भुजाओं में अनुपात 3:4:5 का अनुपात होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें इतना अनुपात होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n बे पदों के योगफल m² / n² के अनुपात में है, m² और n² के अनुपात में है, तो m बा पद 2m-1 एंड अनुपात 2n-1 होगा।
ठीक है, क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी एपी के एन टू एन थ्री एन एपी के यानी सामान्य श्रेणी के एन टू एन थ्री एन पदों के योग क्रम से एस वन एस टू एस थ्री हैं, तो एस थ्री इक्वल टू होगा थ्री एस टू माइनस एस वन, एस थ्री इक्वल टू थ्री एस टू माइनस एस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी एक कंपटीशन में आया हुआ है, एंड जैसा ही ये क्वेश्चन है, किसी तीन समांतर श्रेणी हैं, तीन समांतर श्रेणी यानी तीन एपी हैं जिनके एन पदों के योग क्रम से एन पदों के योग एस वन एस टू एस थ्री हैं, और प्रथम प्रत्येक का प्रथम पद सभी का प्रथम पद वन एंड सार्वंतर सबके सार्वंतर अलग हैं, सार्वंतर क्रम से वन टू एंड थ्री हैं, प्रत्येक का प्रथम पद वन है एंड सार्वंतर क्रम से वन टू थ्री हैं, तो सिद्ध करना है एस वन प्लस एस थ्री इक्वल टू टू एस टू, एस वन प्लस एस थ्री इक्वल टू टू एस टू, तो सिद्ध करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन ए पी में है, 2006 यूपी पीजीटी 2006 में, रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए टू प्लस रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपॉन अंडर रूट ए एन माइनस वन प्लस का अंडर रूट ए एन इक्वल टू, ये जो ऑप्शन है इक्वल में जो है यही ऑप्शन था, तो करेक्ट ऑप्शन छाटना था ये, यानी कि आंसर था, तो ऐसे इसमें बना के चार ऑप्शन थे, करेक्ट ऑप्शन केवल यही रखा गया था। क्वेश्चन 22। ठीक है, किसी एपी का एम पदों का योगफल, एम पदों का योग एन एंड एन पदों का योग एम है, तो पी बापत क्या होगा, पी बापत फाइंडिंग करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक समीकरण है एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 28 बराबर 0 के मूल एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर क्या होगा। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स इसके समांतर श्रेणी में हैं, तो इनका सार्वांतर निकालना है यानी कि पदों का अंतर। देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ए बी सी डी ई, तो जनरल आसान से क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ये एपी में है, तो ई माइनस सी का मान होगा, ये शायद यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ है, तो टू सी माइनस ए आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो आए हुए क्वेश्चन है वो ऑलरेडी दिमाग में रहते हैं, जब भी सामने आ जाता तो ये कहीं आया है। ठीक है, डी माइनस सी, तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन छटना है टू डी माइनस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी ए पी में है, तो श्रेणी वन पोन बी सी वन पोन सी एंड टू पोन बी होगी, मतलब ये जो इतना पद है कि कौन सी श्रेणी होगी, होगी कि नहीं होगी, ए ऑप्शन है इसका ए पी होगी, बी ऑप्शन है कोई नहीं, नॉन कोई श्रेणी नहीं, सी ऑप्शन है जी पी होगी एंड डी ऑप्शन था एच पी होगी। ठीक है, तो ये बताना है कि ये कौन सी श्रेणी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पदों वाली सभी विषम संख्याओं का योग होगा, विषम संख्याओं का योग, दो पदों वाली विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 11, 13 और 99 तक, इनका सम निकालना है। ठीक है, जिसमें दो पद होंगे, दो पदों वाली विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, ये हमको फाइंडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
ए बी सी ए पी में है, 10 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये किस में होंगे? ए पी में होंगे, ठीक है। तो ये बताना है किस श्रेणी में होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यानी जो उसके एंगल्स हैं वो एपी में हैं, एंड सार्वंतर 10 अंश है, सार्वंतर 10 अंश है, तो कोणों को ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने कितने कितने कोण होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। एक एपी के प्रथम पी क्यू एंड आर पदों का योग, पदों का योग क्रमशः ए बी एंड सी हो तो ए पॉन पी क्यू माइनस आर, ए पॉन पी क्यू माइनस आर प्लस का बी अपॉन क्यू आर माइनस का पी प्लस का सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा? जीरो होता है। तो इक्वल में इसका जीरो जो है वो हमको ऑप्शन बताना था, इक्वल में क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, किसी एपी के पी वे क्यू वे एंड आर वे पद क्रम से ए पी सी हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, तो ए क्यू माइनस आर प्लस का बी आर माइनस का पी प्लस का सी पी माइनस का क्यू इक्वल टू, ये भी जीरो होता है। 31, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, ए पी तीन एपी हैं, तीन समांतर श्रेणी जिनके n पदों के योग क्रम से s1 s2 एंड s3 हैं, एंड प्रथम पद समान है और सार्वंतर समांतर श्रेणी में है। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है। तो s1 s2 एंड s3 ये भी एपी में होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। एंड 32 नंबर, बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर एंड ए माइनस बी का स्क्वायर एपी में है, तो 1/b-c, 1/c-a एंड 1/a-b भी होंगे ए पी में, ठीक है। तो ये 1/b-c, 1/c-a एंड 1/a-b भी ए पी में होंगे, ये प्रूव करना है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन और भी हैं एक टाइप के, लगभग हो गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, और हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन इसमें और रख दिए जाए, ठीक है। तो काफ़ी बेटर इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसी तरह चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों की वीडियोस आ जाएंगी।